प्रीवियस क्लास में हमने जाना था हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री का क्या महत्व होता है, कौन से समय में हम कौन सा इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम कौन सा समय टाइम देखते हैं, किस समय से हम हिस्ट्री को कैलकुलेट करते हैं, हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेस हैं यानी स्रोत हैं, हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो हम दो स्रोतों पे बात कर रहे थे, पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और दूसरा लिटरेरी एविडेंस। आप अपने बुक में यह निकाल कर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजी क्या होती है? जब हम किसी पुरानी वस्तु को खोद कर निकालते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, वही आर्कियोलॉजी कहलाती है। एविडेंस फ्रॉम द एक्सकवेशन टेल्स मेनी थिंग अबाउट द एंशियंट पीपल। एक्सकवेशन हैव ब्राउट टू लाइट मेनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। जब हम पुरानी चीज़ों को एक्सकवेट करते हैं यानी कि उसकी खुदाई करते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में लोग कैसे हुआ करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह रहा करते थे और किन सामानों का उपयोग किया करते थे। इसके कारण हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तुएं भी देखने को मिलती है पुराने समय की। मोनूमेंट्स, एंशियंट बिल्डिंग लाइक केव्स, स्तूपास, पैलेसेस एंड टेम्पल्स आर नोन एज मोनूमेंट्स। जो प्राचीन इमारतें होती है जैसे कि गुफा, स्तूपा, स्तूपा किसे बोलते हैं, जहाँ बौद्ध धर्म के लोगों का सामान या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की अस्थियां रखी जाती है, उन्हें स्तूपा बोलते हैं। पैलेसेस यानी कि बड़े बड़े महल, टेम्पल्स यानी कि मंदिर, ये सब प्राचीन इमारतों को ही हम मॉन्यूमेंट्स बोलेंगे। स्तूपा एट बरहुत एंड सांची एंड द केव्स एट इलोरा एंड अजंता गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजन एंड आर्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया। जो स्तूपा बरहुत में है और जो स्तूपा सांची में है, साथ ही साथ इलोरा और अजंता की गुफाएं हमें बहुत कुछ बताती है कि प्राचीन भारत में किस धर्म के लोग ज़्यादा रहा करते थे, कौन से धर्म मानने वाले लोग रहा करते थे और उस समय पे कैसी कला हुआ करती थी, लोग किस किस तरह की कला को जानते थे। जैसे कि नीचे दो फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पहला फिगर है अजंता की गुफाओं का और दूसरा फिगर है सांची के स्तूपा का। इंस्क्रिप्शन, राइटिंग विच इज इंग्रेव्ड आइदर ऑन ए स्टोन सर्फेस लाइक रॉक्स, स्टोन वॉल्स, पिलर्स और ऑन मेटल्स, कॉपर प्लेट्स एंड क्ले टैबलेट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। हमने प्रीवियस क्लास में भी इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। तो क्या होता है इंस्क्रिप्शन? जब भी हम किसी चीज़ पे, कठोर चीज़ पे लिखते हैं, जैसे कि वो पत्थर हुआ या पत्थर के सतह पे, पत्थर की दीवार पे, पिलर पे, किसी धातु पे, कॉपर के प्लेट पे या मिट्टी पे, इन सारी चीज़ों पे हम लिखते हैं, वह इंस्क्रिप्शन कहलाता है। और इन सारी चीज़ों पे क्यों लिखा जाता था? ताकि पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे, जब भी वो किसी लड़ाई को जीतते थे या फिर उनके कुछ और दूसरे महत्वपूर्ण निर्देश हुआ करते थे, वह राजा पुराने समय में इंस्क्रिप्शन पे लिखा करते थे। थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड ऑल ओवर इंडिया इन मेनी लैंग्वेजेस। पूरे भारत में हजारों से ज़्यादा इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। A study of these inscriptions throws light upon the names of the kings, important event of their region, extent of the empires, the language in use, the literary skills of the time and many other details. और उस समय जो इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें राजा का नाम बताते हैं, वो हमें यह बताते हैं कि उस राजा के समय में कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, राजा का साम्राज्य कितना बड़ा हुआ करता था, उसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता था और लोग कैसे लिखा करते थे। ये सब चीज़ें हमें उस इंस्क्रिप्शन को देखकर ही पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर एंड कंक्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। जैसे कि अलाहाबाद के पिलर पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया है जो कि हमें समुद्रगुप्त राजा के बारे में बताता है कि वो कैसे थे और उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ जीती थी। अदर ऑब्जेक्ट्स, ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक पॉटरी, मेटल बेयर, क्वाइंस, टेक्सटाइल, ज्वेलरी आर फाउंड। जब हम खुदाई करते हैं तो हमें अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है, जैसे कि घड़े मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, धातु मिलते हैं, कपड़ा मिलता है और गहना भी मिलता है। क्वाइंस आर एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सिक्के मिलते हैं उससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। बाई स्टडिंग देम स्कॉलर्स गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ रूलर्स, द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द अर्लियर टाइम्स, द एक्सटेंट ऑफ किंग्स एम्पायर एंड ऑल्सो अबाउट द ट्रेड विद अदर कंट्रीज।
जो स्कॉलर्स होते हैं, यानी जिन्हें बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, वो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वह इन सिक्कों को देख के बताते हैं कि ये सिक्के किस राजा के समय के हैं और उस राजा के समय कैसी हुआ करती थी स्थिति, उसका साम्राज्य कैसा हुआ करता था, कितना बड़ा हुआ करता था और किस तरह के व्यापार राजा किया करता था। दे ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन दी रिलीजियस बिलीफ, आर्ट एंड एबिलिटीज ऑफ दी रूलर्स। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि उस समय किस धर्म के लोग ज़्यादा हुआ करते थे, कैसी कला हुआ करती थी उनकी। क्वाइंस फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन आर प्रिजर्व इन वेरियस म्यूजियम ऑफ दी वर्ल्ड। और जो सिक्के मिले हैं खुदाई से, वह म्यूजियम में संभाल कर रख दिए गए हैं। जैसे कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, ये पहला फिगर है अलाहाबाद के पिलर का, जहाँ हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिली है। दूसरा जो फिगर है वो एक इंस्क्रिप्शन का है। इंस्क्रिप्शन हमने जान लिया किसे बोलते हैं, जब भी किसी कठोर चीज़ पे लिखा जाता है उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तीसरा एंशियंट कॉइन्स का, यानी सिक्कों का। हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में जाना, किस तरह खुदाई करने पे चीज़ें मिली। अब हम लिटरेरी और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में जानेंगे, यानी लिखी हुई चीज़ें। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर रेफर टू एज लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। सारी प्राचीन समय की चीज़ें जो हमारे पास अभी मौजूद है, वह लिटरेरी और डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड मैनुस्क्रिप्ट। वो हमारे पास आज के समय में मैन्यूस्क्रिप्ट के रूप में है, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट किसे बोलते हैं, जो चीज़ें हाथ से लिखी हुई होती है उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और इंस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं, जो चीज़ें कठोर सतह पे लिखी हुई होती है उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या अंतर होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो जल्दी नष्ट हो जाएगा, जबकि इंस्क्रिप्शन जो है वो लंबे समय तक चलेगी। मैन्यूस्क्रिप्ट आर एंशियंट बुक्स रिटन बाई हैंड ऑन पाम लीव्स और थिक बार्क ऑफ द बर्च ट्री और ऑन पेपर। मैन्यूस्क्रिप्ट जो होता है वह ना सिर्फ पत्तों पे लिखा जाता है, बल्कि पेड़ की छालों पे और पेपर पे भी उसे हम लिख सकते हैं। द लिटरेरी सोर्सेज में बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, रिलीजियस एंड सेकुलर। जो लिटरेरी सोर्स होते हैं, यानी जो लिखी हुई सोर्स है, स्रोत है प्राचीन भारत को जानने की, उसे हम दो भागों में बांटेंगे। पहला तो धार्मिक, जिसे रिलीजियस बोलते हैं, और दूसरा सेकुलर, यानी वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो हम रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पहले बात करेंगे। यहाँ पे आप ऊपर दो फोटो देखिए, देखिए एक रामायण की फोटो है और दूसरी महाभारत की। ये किस में आएगा, ये रिलीजियस लिटरेचर में आएगा, क्योंकि ये धर्म के बारे में है। कौन से धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। राइटिंग ऑन रिलीजियस थीम्स कंस्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर, मेनी बुक्स कंटेन रिलीजियस थीम्स। जब भी किसी धार्मिक चीज़ों के बारे में हम लिखते हैं तो वो कहाँ आता है, रिलीजियस लिटरेचर में गिना जाता है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें धर्म के बारे में लिखा गया है। रिलीजियस लिटरेचर लाइक द वेदास, रामायण, द महाभारत, द भगवद गीता, The Puranas of Hindu, Pitakas of Buddhist, and the Angas of the Jain help historian to understand the religious belief and traditions of the time. ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि वेद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, हिंदू के पुराण, बौद्ध धर्म के पीतकास और जैन धर्म के अगमास। ये सब से हम जान सकते हैं कि उस समय में कौन सी धर्म ज़्यादा प्रचलित थी, यानी फैली हुई थी, और उसके क्या रीति रिवाज थे। अब हम जानेंगे सेकुलर लिटरेचर के बारे में। दिस इंक्लूड्स बायोग्राफीज, ड्रामास, हिस्टोरिकल वर्क्स एंड द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इसमें क्या क्या आता है, जो भी बायोग्राफी लिखी होती है, ये बायोग्राफी मतलब किसी इंसान के बारे में लिखा हुआ होता है। उस समय राजाओं के बारे में काफी लिखा हुआ होता था, तो बायोग्राफीज उस समय पाई जाती थी। उस समय की ड्रामा यानी नाटक लिखा जाता था। फॉरेन ट्रैवलर्स जो भी लिखते थे, यानी जो दूर देशों से लोग यहाँ आते थे घूमने के लिए, वह जो भी भारत के बारे में लिखते थे, ये सब किस में आएगा, सेकुलर लिटरेचर। ये किसी धर्म से जुड़ा नहीं होता था, बस लोग या तो लोगों के बारे में लिखते थे या आसपास देखकर उन चीज़ों के बारे में लिखा करते थे। अर्थशास्त्र रिटन बाई कौटिल्या प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट दी सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दी मौर्य एज। अर्थशास्त्र जो एक किताब है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। वो मौर्य के समय में, जब मौर्य राजा थे, उस समय के बारे में जानकारी हमें देता है कि उस समय सारी चीज़ें कैसी थी, उस समय समाज कैसा था,
बाण भट्ट रोट हर्षचरित। बाण भट्ट जो है वो राजा हर्षचरित के बारे में लिखे थे। इट डील्स विद द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ किंग हर्षवर्धन। उसमें क्या है, उसमें राजा हर्षवर्धन के जीवन के बारे में दिया गया है और उस किताब का नाम हर्षचरित है। कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द गुप्ता एज। गुप्ता के समय में जो सबसे ज्यादा किताबें और सबसे प्रसिद्ध किताबें जो लिखी गई थी वो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। इस फेमस ड्रामा मालविका अग्निमित्रा गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सुंगा। एक सबसे प्रसिद्ध ड्रामा जो मालविका अग्निमित्रा वो हमें काफी जानकारी देता है सुंगा साम्राज्य के बारे में, यानी कि जब सुंगा साम्राज्य के राजा यहाँ शासन कर रहे थे उसके बारे में। कल्हान रोट रजत रागिनी। कल्हान नाम के एक प्रसिद्ध कवि ने रजत रागिनी को लिखा था। इट इज अ हिस्टोरिकल वर्क ऑफ ग्रेट मेरिट। इट डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अप टू 12th century AD। 12वीं शताब्दी तक कश्मीर कैसा था। टाइप ऑफ लिटरेचर प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम व्हेन इट वाज रिटन। इस तरह के जो भी लिटरेचर है वो हमें जानकारी देते हैं कि उस समय की स्थिति कैसी थी जब यह सब लिखा गया था। हिस्ट्री इज ए फैसिनेटिंग सब्जेक्ट टू लर्न। हिस्ट्री जो है इतिहास बहुत अच्छा विषय है सीखने के लिए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग रिसर्च बाई मेनी स्कॉलर्स। और बहुत सारे बहुत कुछ खोजा तब जाके इतिहास इतना सुंदर विषय बन पाया। लाइक ऑल गुड स्टोरीज हिस्ट्री हैज ऑल साइड्स लाइक कॉमेडी ट्रेजेडी इमोशन एक्साइटमेंट एंड मिस्ट्री। सारी अच्छी कहानियों की तरह इतिहास में भी अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कुछ हास्य की चीजें होती है तो कुछ दुखद चीजें होती है, कुछ भावनात्मक चीजें होती है, कुछ खुशी की चीजें होती है, तो कुछ रहस्य भी इतिहास में छुपा होता है। हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन वेरियस सोर्सेज टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट। हिस्टोरियंस ने बहुत सारी चीजों पे अपने आप को निर्भर किया ताकि वो